राजस्थान में सुर्खियां बटोर रहे बहुचर्चित पुलिस उपाधीक्षक हीरा लाल सैनी और कांस्टेबल के अश्लील वीडियो मामले में एक नई बात पता चली है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डीएसपी और महिला कांस्टेबल का जो वीडियो वायरल हुआ है वो 10 जुलाई 2021 को बनाया गया था। वायरल अश्लील वीडियो को पुष्कर के सूरजकुंड स्थित एक रिजॉर्ट में बनाया गया था। एसओजी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि डीएसपी हीरालाल सैनी सूरजकुंड स्थित उस रिजॉर्ट्स में महिला पुलिस कांस्टेबल और बच्चे के साथ 2 दिनों तक रुके थे। एसओजी की जांच में इस बात का भी पता चला कि रिजॉर्ट्स के रजिस्टर में डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल की तो एंट्री है पर बच्चे की एंट्री नहीं है। पता चला है कि बच्चे को महिला कांस्टेबल अपने साथ लेकर आई हुई थी। डीएसपी हीरालाल, महिला पुलिस कांस्टेबल और उसके बच्चे, ये तीनों वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल के बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए गए थे। 10 जुलाई को महिला कांस्टेबल के बच्चे का बर्थडे था। बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए वो स्विमिंग पूल में चले गए। इसको लेकर वो अपनी माँ से कई बार कह चुका था। बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए वो 10 जुलाई को ही पुष्कर आ गए थे। पुष्कर के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश मीणा ने डीएसपी हीरालाल और महिला कांस्टेबल के लिए रिजॉर्ट्स बुक करवाया था। रिजॉर्ट्स पर पहुंचने पर डीएसपी हीरालाल सैनी से जब पहचान पत्र मांगा गया तो पहले डीएसपी ने धौंस जमाई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना परिचय पत्र दिया। बच्चे का 10 जुलाई को बर्थडे मनाया गया। उसके बाद तीनों स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे, तभी उस अश्लील वीडियो को महिला कांस्टेबल द्वारा बनाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा भी पूल में खेल रहा है। महिला कांस्टेबल के मोबाइल में डीएसपी हीरालाल सैनी और उसके बीच के संबंधों की वीडियो और फोटो रखी हुई थी। महिला कांस्टेबल वीडियो और फोटो को हाइड कर मोबाइल में ही एक अलग फोल्डर में रखना चाह रही थी, लेकिन गलती से वो अश्लील वीडियो महिला कांस्टेबल के स्टेटस पर लग गया। इसके बाद महिला कांस्टेबल के परिजनों ने इसे इस बारे में बताया। फिर महिला कांस्टेबल द्वारा स्टेटस से वीडियो को डिलीट किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तमाम लोगों के पास ये अश्लील वीडियो तब तक पहुंच चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।